हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राहुल सिंह और आज की मेरी एक रिसर्च है कि क्या हमको कोई भी एजुकेशन चीटिंग से पास करना चाहिए या नकल करके पास करना चाहिए। तो आज की दुनिया में बहुत सारे कॉलेज हैं, जो हैं स्कूल हैं, जहां पे बच्चे जो हैं चीटिंग करके पास आउट करते हैं। तो जो लोग ऐसे करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आप किसको धोखा देते हो, लाइक माँ बाप को धोखा देते हो, गवर्नमेंट को धोखा देते हो, या अपने आप को धोखा देते हो, मतलब जो चीटिंग कर रहे हो वो किसके साथ में कर रहे हो। तो इसका जवाब मेरी रिसर्च में जो आया वो ये आया कि चीटिंग हम खुद अपने साथ ही करते हैं। अगर हम मान के चलो दसवीं का एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर ईमानदारी से पास करेंगे तो हमको उसका फल भी मिलेगा, लेकिन अगर हम फेल हो जाते हैं तो और अच्छा फल हमको मिलता है। लेकिन जब हम चीटिंग से पास होते हैं तो ना हमें फल मिलता है, ना दुख मिलता है, और बहुत बड़ा धोखा हमारे साथ होता है। हालांकि इस चीज़ पे कोई भी लोग रिसर्च नहीं करते हैं। सोचने वाली बात है कि मान के चलो आप किसी के डर के मतलब आपने पढ़ाई नहीं करी है और आप फेल हो जाते हो, तो फेल होने से क्या है कि फ्यूचर में आपको कोई भी काम आप कर सकते हो कि भाई मतलब मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ये बोल सकते हो। लेकिन आप मान के चलो चीटिंग से पास हो गए, आपने बोला किसी कंपनी में जाके या कहीं पे भी कि भाई मैं दसवीं पास हूँ, अब आपको आता कुछ नहीं है उतना, तो आप इंटरव्यू नहीं दे पाओगे, आप सिलेक्शन नहीं हो पाएगा आपको, आप जॉब नहीं कर पाओगे। और जब आप छोटा मोटा काम करोगे तो लोग आपको ताने मारेंगे, अरे भैया पढ़ा लिखा हो के ये काम कर रहा है, बेकार है भाई पढ़ाई, तो फिर नसीब को कोसते, अरे भाई साहब हमारे नसीब में नहीं है, ये नहीं है। तो पता है इस दुनिया में जो जहाँ है ना वो अपनी गलती से, लाइक शोषण है, समाज के थ्रू शोषण हो रखा है हम सभी का। तो पढ़ाई हो, फेल होना ज़्यादा बेटर है नकल से पास होने से। तो अभी हाल ही में जो है रिजल्ट आए हैं, तो पिछली साल तो कोरोना की वजह से लोग पास हो गए थे, लेकिन अभी वो लोगों ने पढ़ाई नहीं करी, सीरियस नहीं ली उन्होंने, तो वो लोग अब फेल भी हो गए हैं। तो अब उनका कैरियर ऐसा समाप्त टाइप का हो गया है। तो उनमें से बहुत ही कम बच्चे दोबारा रीएडमिशन लेंगे 11वीं में या 12वीं में, तब जाके वो पढ़ाई करेंगे, तब वो पास होंगे, या फिराक में रहेंगे कि नकल मिल जाए कहीं से या चीटिंग करने को मिल जाए। तो आप इस चीज़ को इससे भी समझ सकते हैं कि आज की डेट में अगर किसी भी कंपनी में या किसी भी गवर्नमेंट में 2000 वैकेंसी निकलती हैं, 2 करोड़ लोग फार्म भरते हैं। अब जो 2 करोड़ लोग फार्म भर रहे हैं ये कौन लोग हैं? ये सब मेरे नज़र में तो चीटिंग करने वाले लोग हैं। क्योंकि अगर कोई अपने मेहनत बलबूते पे कोई अगर पास आउट होता है तो वो किसी ना किसी फील्ड में जॉब कर ही लेता है, मायने नहीं रखता कि वो जॉब प्राइवेट है या फिर सरकारी जॉब है। तो चीटिंग करने के बहुत सारे नुकसान हैं। सोच के देखो कि यार अगर कोई डॉक्टर बन गया चीटिंग करके तो वो ऑपरेशन कैसा करेगा, कितने लोगों की जान जाएगी, कितने लोगों की हत्याएं होंगी। अगर कोई बिना सीखे किसी को अगर लाइसेंस मिल जाए फ्लाइट उड़ाने का या गाड़ी चलाने का, तो वो कितने लोगों के साथ एक्सीडेंट करेगा, सोचने वाली बात है ना। तो इसलिए मेरी नज़र में कभी भी कोई चीज़ चीटिंग से नहीं करनी चाहिए, या तो होना हो तो एकदम पूरी ताकत के साथ हो। खैर, ऐसी बहुत सारी रिसर्च हैं जो मैं करता रहता हूँ। तो फिलहाल इस रिसर्च में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट, बाय।